टोकरा निकला है कुंडा होटल का है, टीपी होटल के अंदर से। कौन है मैनेजर, कौन है इधर? तो गाइस जगन्नाथ मंदिर जो चार धामों में से एक धाम कहा जाता है, जो पूरी उड़ीसा में है, वहाँ पर ये टीपी होटल है मंदिर के पास, जहाँ हम प्योर वेज रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ के खाने में हमें जिंदा कॉकरोच मिला है। जो हमने सब्जी रोटी मंगवाई थी उसमें हमें जिंदा कॉकरोच मिला है। तो ये होटल में अभी जो मैंने आपको दिखाया इसमें हम लोग को जिंदा कॉकरोच मिला है खाने के अंदर। अभी हम लोग ने बवाल किया, हम लोग ने खाना वैसे ही छोड़ दिया और हम लोग बिल भरे बिना हम लोग निकल गए वहाँ से। उधर पूछ रहे हम लोग मैनेजर कौन है, तो उन लोग कोई जवाब देने के लिए भी रेडी नहीं है कि कौन मैनेजर है क्या है। सारा स्टाफ बस चुप बैठा है, यहाँ वहाँ इग्नोर कर रहे हैं हम लोग को। तो ये मैं होटल की चीज़ें आपको डिटेल में डालूंगा और इस चीज़ के ऊपर जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस होटल में आके खाना ना खाए, बिकॉज खाने में जिंदा कॉकरोच आना मतलब ये बहुत बेकार चीज़ है। और हम यहाँ से मंदिर जा रहे हैं। आप लोग ही है क्या मैनेजर? आप लोग हैं मैनेजर? मैनेजर कौन है? कौन है मैनेजर? कौन है मैनेजर? कौन है इधर? इधर मैनेजर कौन है? खाने में जिंदा कॉकरोच निकल रहा है। क्या हुआ है? फ्रेंच कॉकरोच निकला है कुंडा होटल का है, टीपी होटल के अंदर से। टीपी होटल जगन्नाथपुरी के पास खाने में जिंदा कॉकरोच निकला है। अभी वो प्लेट लेके गए। तो यहाँ पे टीपी होटल पे हमें फ्रेश कॉकरोच मिला है। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट बोलते हैं इन लोग। इन लोग यहाँ पे देखिए, अब कोई भी मेरे को हमें रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ एंटरटेन भी नहीं कर रहा है। जिस प्लेट में कॉकरोच निकला था वो कॉकरोच, वो प्लेट, वो सब उन लोग तुरंत उठा के वहाँ से चले गए और उन्होंने सीधा फेंक दिया ताकि मैं रिकॉर्ड ही ना कर पाऊँ। इसके लिए मैं आपको प्लेट नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बोला इसके पहले खाना खाया, मैं आपको बताता हूँ जिसके प्लेट में से कॉकरोच निकला है। ईशा क्या एक्सपीरियंस कैसा था? ईशा बता तो सही, हुआ क्या एग्जैक्टली? कौन सी सब्जी में से निकला और कैसे आया, बता रहे हैं? पनीर बटर मसाला जो आपने भी खाया था, पनीर बटर मसाला जो मैंने भी खा लिया, अब मैंने पूरा पेट भर के खा लिया, उसके बाद ही मैडम के प्लेट में कॉकरोच आया। तो मुझे नहीं पता बाद में आया पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वेज रेस्टोरेंट है, ऊपर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है जहाँ नॉन वेज भी सर्व होता है। हम नीचे वेज रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमें खाने के अंदर जिंदा कॉकरोच मिला। मैं आपको फोटोज़ या वीडियो उस प्लेट का नहीं दिखा पाया बिकॉज स्टाफ ने तुरंत ही वो फेंक दिया है। जैसे कि आपने देखा, कोई स्टाफ रिवर्ट भी नहीं कर रहा था, रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी मंदिर के आसपास वाले रेस्टोरेंट में या कोई भी रेस्टोरेंट में ऐसा अनहाइजीनिक सर्विस ना प्रोवाइड हो जहां लोगों को इस तरीके का बिहेवियर फेस करना पड़े एंड मैनेजर्स स्टाफ कोई रिप्लाई ना कर रहा हो। प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए कि ये मैनेजर एंड स्टाफ तक पहुँचे उस रेस्टोरेंट के, जहाँ जगन्नाथ मंदिर के पास का रेस्टोरेंट टीपी होटल में सर्विस प्रोवाइड की है।